हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीवी चैनल पे। तो दोस्तों, अभी आपको मार्केट में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि सब कुछ, चाहे बिटकॉइन हो चाहे ऑल्ट कॉइन, वो ग्रीन होते हुए नजर आ रहे हो। और आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो अभी तक नहीं बढ़े हैं तो भी आप निश्चिंत कीजिए क्योंकि जल्द ही आपको वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे दोस्तों। एंड कल के दिन जो है क्लोजर हमें देखने को मिला 50,000 के ऊपर सीएमई चार्ट पे भी और नॉर्मल चार्ट पे भी दोस्तों। तो इसका जो इंपैक्ट है आने वाले वीक में क्या पड़ सकता है और आने वाले एक दो दिन में हम क्या प्राइस मोमेंटम देख सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इंसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेनदेन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है दोस्तों। याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको आप फॉलो कर सकते हो, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertea.com को विजिट कर सकते हो दोस्तों। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे हम कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे आज का बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने क्लोजर फाइनली जो है नॉर्मल चार्ट पे भी अगर मैं बात करूं, कल के दिन ऑलमोस्ट 51,050 डॉलर हमने टच किया एंड क्लोजर जो लिया वो 50,025 डॉलर। अगर मैं बात करूं इस चार्ट की, जो कि स्पॉट का चार्ट है, अब मैं बात करता हूं जो हमारा फ्यूचर का चार्ट है उस पे कहां पे क्लोजर मिला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे मिला है जो कि है 50,710। जी हाँ दोस्तों, यानी कि क्लियर कट इंडिकेशन कि आने वाले टाइम में हमें जो 48,000 का लेवल है बिटकॉइन में वो देखने को नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक ऑनवर्ड, जिस हिसाब से सकुष्टिक आरएसआई मोमेंटम दिखा रहा है, जिस हिसाब से आरएसआई मोमेंटम दिखा रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल रीटेस्ट दिस लेवल ऑन मंडे। यानी कि हम वीकेंड में जो भी मूव दिखाएंगे, हम 50,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं मंडे ऑनवर्ड। याद रखना गाइस कि अभी जिस मोमेंटम में हमारा मार्केट है वो काफी साइडवेज एक्शन है और ये चॉपी मोमेंटम आपको दिख रहा होगा 23 अगस्त ऑनवर्ड, ये फ्यूचर के चार्ट पे दिख रहा है। अभी मैं नॉर्मल चार्ट की बात करूं तो इस पे तो ऑलमोस्ट हम 20 अगस्त इसी लेवल पे ट्रेड कर रहे थे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आपको साफ साफ दिखेगा कि अभी जो कल का क्लोजर है ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मिला है। एंड अगर इस हिसाब से मैं अगर इसे ब्रेकआउट मानूं और अगर इस ब्रेकआउट का टारगेट मैं लेके चलूं तो जो मैंने टारगेट बताया हुआ था आपको, कुछ उसी लेवल पे आपको बिटकॉइन जाता हुआ दिख सकता है अगले दो तीन दिनों में। एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यस वी विल सी दिस लेवल आइदर ओवर द वीकेंड और आइदर नेक्स्ट वीक। जी हाँ, 55,000 के अराउंड में जा रहा है लेवल ऑलमोस्ट। अगर मैं कहूं टू बी फ्रैंक, अगर मैं एग्जैक्ट लेवल तो 54,759 जो है टारगेट है नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा हुआ है कि ये जो लेवल है ये हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, यानी कि जो पहले का हमारा सपोर्ट लाइन था हॉरिजॉन्टल वो अब हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। और आप क्लियर कट देखोगे, दो दिन पहले जो हमारा क्लोजर मिला था वो काफी नीचे मिला था, उसके बाद परसों का जो क्लोजर मिला था वो ऑलमोस्ट इस लाइन को टच किया और नीचे क्लोजर लिया। कल के दिन भी लाइन को टच किया और नीचे क्लोज लिया, लेकिन नीचे कहां पे क्लोज किया अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन के देखूं तो ठीक ऊपर, और इस लाइन को हमने रीटेस्ट कर लिया। यानी कि अब हम देखेंगे वीकेंड में 51,000 से लेकर 52,000 का प्राइस लेवल डेफिनेटली। एंड उसके बाद हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम मंडे तक ये लेवल रीटेस्ट करते रहे 50,000 का। एंड अल्टीमेटली जो सीएमई चार्ट पे अगर मैं गैप की बात करूं, अगर हम ऊपर का पीक देखें तो 51,260 डॉलर का पीक है, यानी कि 51,260 डॉलर तक के मूव पे भी कोई भी हमारा जो है सीएमई गैप नहीं बनेगा ओवर द नेक्स्ट वीक। इस बात को नोटिस में रखना, यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि 50,000 का लेवल हम रीटेस्ट करें मंडे को, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 51,000 के रेंज में हम रह सकते हैं एंड वर्स्ट केस सिनेरियो 50,000 लेवल हम टेस्ट कर सकते हैं। गाइस, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वापस से नॉर्मल चार्ट पे आप देखो आरएसआई लेवल वापस से जो है, मैंने आपको कहा था कल के दिन कि यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे क्लोजर मिला था, अगर हम नीचे जाते कल के दिन तो ये डिक्लाइन होता हुआ दिखता, लेकिन हमने क्लोजर लिया ऊपर की तरफ, यानी कि साइडवेज एक्शन है ऊपर की तरफ है। ऑल्दो ये पैटर्न अब मेरे लिए मैटर नहीं करता एज पर टीए, दिस पैटर्न इज नो मोर वैलिड मेरे हिसाब से, बट यहां पे जो रेजिस्टेंस लाइन है या सपोर्ट लाइन है वो थोड़ा बहुत प्ले आउट कर सकता है, इसीलिए अभी भी मैंने इस चार्ट पे इसे रखा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आज के दिन कहां पे जाता है बिटकॉइन। मोस्ट प्रोबेबली हम आज के दिन जो है ग्रीन कैंडल वापस से क्लोज करें, जिस हिसाब से चीजें चल रही है। बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे कि 1 आवर के चार्ट पे कैसे क्या प्ले आउट हो रहा है। क्लियर कट ज्यादा आपको दिखेगा कि यहां पे 10 AM 20 AM हमने रीटेस्ट किया, 21 AM जब हम फेल हुए हैं तो 51 AM से हमें बाउंस बैक देखने को मिला पिछले आवर्स में। एंड बाउंस बैक क्यों देखने को मिला, सकुष्टिक आरएसआई क्लियर कट रिवर्सल वापस से दिखा रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, लेकिन ज्यादा चांसेस 1 आवर पे क्या है कि यहां से अब ये रैली सुबह से जो अभी स्टार्ट हुआ है ये आपको इवनिंग आवर्स तक दिखेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये 50 का आरएसआई वर्स्ट सिनेरियो में टेस्ट कर सकता है आने वाले 1-2 घंटे में, लेकिन उसके बाद जो है ये अपसाइड का रैली दिखा सकता है। इंटरेस्टिंग होगा 55 का लेवल जैसे हम
क्लोज करते हैं 1 आवर के चार्ट पे, इट विल गेट्स कंफर्म कि हम ऊपर की तरफ पूरे दिन मोमेंटम दिखाएंगे एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल रीटेस्ट दीज लेवल जो मैंने आपको बोला है अराउंड 52,000 का लेवल। और अगर मैं बात करूं मैकडी की 1 आवर के चार्ट पे, तो क्लियर कट रिवर्सल अब वापस से देखने को मिल सकता है हमें आने वाले 2-3 घंटे के बाद, और यही चीज आपको रिफ्लेक्ट करेगा 4 आवर के चार्ट पे भी। 4 आवर के चार्ट पे क्लियर कट काफी तेजी से बाउंस बैक लेता हुआ दिखा है एंड दिस जिस हिसाब से ऐसे चीजें चल रही है, एक चीज अगर छोड़ दूं, अगर सकुष्टिक आरएसए देखूं तो नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है, तो ये थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन की तरफ रिफ्लेक्ट जरूर कर रहा है, लेकिन आरएसआई कहूं तो साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड ले रहा है, यानी कि हायर लो क्रिएट कर रहा है, दिस इज इंटरेस्टिंग। एंड यही नहीं, मैकडी जो है हमारा वो भी साइडवेज एक्शन में ग्रीन में ही मोमेंटम बना हुआ है, यानी कि यहां पे पॉसिबिलिटीज मार्केट साइडवेज एक्शन लेने की बात हो सकती है, यानी कि यहां पे जिस रेंज में हमारा आरएसआई है, जिस रेंज में हमारा सकुष्टिक आरएसआई है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम अगले 4 से 8 घंटे इस लेवल में गुजारे, हो सकता है 50 से 51,000 के लेवल में अगर हमारा एक क्लोजर कैंडल ऊपर मिलता है, कहीं पे भी 50,000 टू $44 के ऊपर कहीं पे भी मिलता है गाइस, इट विल बी वेरी बुलिश एंड नेक्स्ट जो कैंडल हो सकता है वो हमें प्रोबेबली ऊपर की तरफ रैली दिखाता हुआ दिख सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो जिस हिसाब से सकुष्टिक आरएसआई दिखा रहा है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वी विल स्पेंड फ्यू मोर आवर्स 4 टू 8 आवर्स इन दिस रेंज, वर्स्ट केस सिनेरियो में 50,000 से लेके $49,393 का जो रेंज है उसे हम रीटेस्ट कर सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो आई सेड, बट इसकी प्रोबेबिलिटी एज पर 1 आवर के चार्ट देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी एंड वी कैन सी सम अपवर्ड मूव टुडे as well and one day के चार्ट पे क्लियर कट बहुत अच्छा बाउंस बैक जो मैंने अभी पैटर्न ड्रॉ किया साफ साफ आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्लियर कट बाउंस बैक देता हुआ दिख रहा है अर्ली मॉर्निंग से, एंड ये चीज जो है साफ साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अब यहाँ पे रिवर्सल ऑलमोस्ट आ चुका है। वीकेंड में देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम स्पाइक ले सकते हैं, लेकिन याद रखना वो स्पाइक अगर 51,000 के ऊपर होता है तो डेफिनेटली वो टेम्परेरी हो सकता है, यानी कि मंडे को हम उस रेंज में वापस से प्राइस रेंज रीटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है और हो सकता है हम यहाँ पे 3-4 दिन बिताएं अराउंड 50,000। ऑलरेडी हम पिछले 2-3 दिन से इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे हैं और आज का दिन भी मिला दे तो 3 दिन ऑलरेडी हो गया, तो 1-2 दिन और पॉसिबिलिटीज बनता है। जो हमारा 21 EMA बहुत तेजी से ऊपर आ चुका है $47,841, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो कभी भी बिटकॉइन नीचे जाता है यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा आपको। और ये जो है अगर आप मैं वीकली चार्ट पे आपको रिफ्लेक्ट करवाऊँ सेम डेटा, तो यू विल फील कि वाह व्हाट ए क्लोजर जो हम लेने वाले इस वीकेंड, एंड यस ये क्लियर कट अब इस वीक जो है हम इसके ऊपर लेने वाले क्लोजर, जिसकी बात मैंने कही थी कि गोल्डन रेशियो के ऊपर हम कहीं पे भी ये वीक का क्लोजर लेते हैं, यानी कि अराउंड $50,200 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजर लेते हैं गाइज, इट विल बी वेरी वेरी एग्रेसिव मूव जो हमें अगले वीक आ सकता है बिटकॉइन में, एंड देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि बिटकॉइन हमारा 55,000 से 57,000 का रेंज भी टेस्ट कर सकता है अगले वीकेंड आते आते। याद रखना ये वो वीक है जहां पे ऑलमोस्ट हमने फरवरी से लेके मई का मंथ गुजारा था, यानी कि यहाँ पे क्लस्टर ऑफ अभी रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है क्लियर कट 3 वीक से हम देख रहे हैं, अब ये एक बार इसे ब्रेक कर लेगा देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस चैनल में कम से कम 2 या 3 वीक स्पेंड करेंगे, यानी कि 50 से 57,000 के अराउंड में ही हमारा जो है मंथली क्लोजर भी हो सकता है, जिसकी तरफ मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूं पिछले दिनों से कि जो सितंबर का क्लोजर है इस रेंज में हो सकता है 50,000 से लेकर 57,000 के अराउंड में कहीं पे भी। देयर इज नो गारंटी कि वो ऊपर नहीं जा सकता, देयर इज नो गारंटी कि वो नीचे नहीं जा सकता, आई सेड कि क्लोजर हमारा इस रेंज में हो सकता है, यानी कि अगर बिटकॉइन अगले 10 दिन के अंदर इस रेंज में ट्रैवल करता है, यानी अगले 1 वीक में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली यहां पे साइडवेज एक्शन चलेगा, जैसे 3 वीक से साइडवेज एक्शन चल रहा, और 3 वीक से साइडवेज एक्शन चलने का नतीजा क्या हुआ ऑल्टकॉइन में वो आपने ट्रेलर देख लिया है, तो अगर ये फिर से यहां पे साइडवेज एक्शन अनदर 3 वीक्स लेता है तो सितंबर का पूरा मंथ हो सकता है, अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक हमें ऑल्ट सीजन में बहुत बड़ा एक रैली देखने को मिले, जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा कर रहा था आपको जनवरी ऑनवर्ड्स की एक जो ऑल टाइम हाई जो रैली देखने को मिल सकता है ऑल्ट सीजन में, वो अभी तक हमें इस बुल रन में नहीं देखने को मिला है, तो डेफिनेटली वो हमें मिल सकता है इस बार। लेकिन याद रखना कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा BTC के टर्म में प्रॉफिट मेकिंग का, तो जहां पे जो भी आपका रिस्क लेवल है, जो भी आपका रिवार्ड लेवल है, उसको जरूर मेंटेन करो और अपना रिस्क और रिवार्ड जरूर पहचानो, क्योंकि ये चैनल पे बहुत लोग देखते हैं जिनका बजट 100 रुपए से लेके 1 करोड़ 10 करोड़ तक का भी है, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए हैं मार्केट में, तो सबका अपना रिस्क होता है, सबका अपना रिवार्ड होता है, आपने कितना कमाया है, कितना आप नहीं गंवाना चाहते हो, दैट इज योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इसके ऊपर डिटेल में मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर वीडियोज लाऊंगा और साथ ही साथ आज के लाइव सेशन में भी इसके ऊपर बात करूंगा, तो इसके ऊपर अगर आपको मेरे साथ डिस्कस करना है या फिर आप मेरे साथ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आज शाम में अप्रॉक्सिमेटली 9 o'clock के राउंड में, ऑल दो मैं एग्जैक्ट टाइम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लाइव सेशन यूट्यूब लाइव जरूर होगा Q&A सेशन, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट के। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट अभी फिलहाल जरूर ग्रीन कैंडल बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कल के दिन क्लोजर कहाँ पे मिला है गाइज, एग्जैक्टली जो मैंने आपको कहा था देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप
अब जो है हम इस लाइन के नीचे क्लोजर ले सकते हैं। हमने 3 दिन स्पेंड किया, आज जो है ऑलमोस्ट चौथा दिन होगा हमारा इसी जोन में रीटेस्ट करने का, और अभी फिलहाल जरूर ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, लेकिन अगर मैं वीकली चार्ट पे लेके चलूं तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जो है लास्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है जहां पे बॉन्स थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। मेरा मानना है अगर वीकली कैंडल इस जोन के आसपास या इसके नीचे कहीं पे भी क्लोज करता है इस लाइन के बिलो, तो जो गाइज मैंने आपको बोला हुआ है 40 का लेवल, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटीज कि हम इसी वीकेंड 40 तक भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसके चांसेस थोड़े से कम है एज कंपेयर टू कि अगले वीक हम डेफिनेटली 40 के लेवल में जा रहे हैं। और 1% का मूव जो है वो कितना इंपैक्ट डालता है पोर्टफोलियो में वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल अगर मैं वन डे की चार्ट की बात करूं तो सकुष्टिक आरएसआई साइडवेज एक्शन बनाना शुरू कर दिया नीचे के लेवल की तरफ। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कितने दिन बनाता है यहाँ पे, कितने दिन गुजारता है, जितना लंबा टाइम गुजारेगा इस लेवल से लेके इस लेवल के बीच में, गाइस इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर योर ऑल्ट कॉइन पोर्टफोलियो एंड डेफिनेटली बिटकॉइन तो है ही गाइज। एंड आरएसआई की बात करूं, मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ ऐसा मोमेंटम दिखेगा, अभी बस हमें रेप्लिकेशन देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी इंतजार करना होगा, ये काफी नीचे जाएगा, अभी 25 के रेंज में बने हुए हैं। 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है आज के दिन। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यस काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ, कल मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करें फिर फेल हो, और कुछ वैसा ही हमें पूरे दिन भर होता हुआ दिखा। अब ये वापस से अभी पिछले 2-3 आवर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डेफिनेटली हम वापस से रीटेस्ट करने जा रहे हैं, हमने हायर लो बनाया है यहाँ पे, डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग है देखना। एंड आरएसआई वाइज अगर आप देखो तो अभी 40 का लेवल हमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दे रहा है, मेरा मानना है कि हम वापस से 50 का लेवल आज के दिन अभी आने वाले कुछ आवर्स में रीटेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली जब सकुष्टिक आरएसआई में रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। मेरा मानना है सकुष्टिक आरएसआई हो सकता है 50 तक जाए, फिर वहां से हमें रिवर्सल वापस से नीचे की तरफ देता हुआ दिख जाए, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो 41.62 तक तो जरूर ही जा सकता है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। डोमिनेंस चार्ट पे आपको 1 आवर के चार्ट के हिसाब से जो मैंने बताया वही चीज आपको 4 आवर के चार्ट पे भी क्लियर कट दिखेगा। अभी 4 आवर के चार्ट पे काफी अच्छा क्लोजर मिला पिछले 2-3 आवर्स का कैंडल, कल के दिन हमने यहाँ पे आपको देखा कि रीटेस्ट क्या फेल हुए, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, मेरा मानना है नहीं गाइस, हम मुश्किल से यहाँ पे थोड़ा बहुत और ग्रीन कैंडल जरूर बना सकते हैं इस आवर का क्लोजर अभी जो कि सिर्फ 24 मिनट्स में होने वाला है, तो डेफिनेटली ये तो ग्रीन कैंडल होगा। एंड यहाँ के बाद हो सकता है कि हम वेट करें 10 EMA के नीचे आने का, वर्स्ट केस सिनेरियो तो मैंने आपको बता रखा है, लेकिन अगर 4 आवर के चार्ट के 10 EMA देखे तो अभी भी वो 41.72 के आसपास है, तो इन लेवल्स पे नजर बना के रखना, कोई घबराने की बात नहीं है, नीचे आ रहा है सकुष्टिक आरएसआई धीरे धीरे, थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन एक्सपेक्टेड है आरएसआई, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि आरएसआई जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन रहा है, लेकिन अल्टीमेटली काफी नीचे का लेवल जो है हमें रीटेस्ट करना है एंड काफी बॉटम अभी जाना बाकी है, तो डेफिनेटली अभी काफी लंबा जर्नी है। जो भी हम पैटर्न देख रहे हैं, पैटर्न जो कि हमें एक रास्ते में फॉलो करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अल्टीमेटली टारगेट कहीं और है, और आज का क्लोजर रीटेस्ट हम जरूर करेंगे इस लेवल को 41.60 के आसपास का अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पे लाइन है जरूर, और ये लाइन जो है सपोर्ट लाइन जैसे काम कर रहा था वैसे अब रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा, और वहां से हमें डेफिनेटली जो है क्लोजर नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली हमारा हो सकता है वन डे के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो हो सकता है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हम साइडवेज एक्शन में फंसे रहे आधे दिन, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली शायद हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे रेड कैंडल ही क्लोज हो अगेन से। गाइज इस बात पे ध्यान दो कि जितना लंबा टाइम हम स्पेंड लेंगे धीरे धीरे करते हुए उतना ज्यादा ग्रोथ आएगा ऑल्ट कॉइन में, इस बात पे फोकस रखना। एंड डेफिनेटली जो हमें डोमिनेंस चार्ट क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है सेम चीज आपको दिखाएगा इथेरियम का BTC चार्ट। जी हाँ, कल के दिन हमें वापस से ग्रीन कैंडल देखने को मिला, और मैंने जो आपको कहा था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन बनता है वो डेफिनेटली प्ले आउट करता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। क्लोजर कहां पे लिया, हायर लो क्रिएट करता हुआ दिखा हमें क्लोजर पे, और हायर हाई क्रिएट करता हुआ दिखाया 0.07869, यानी कि अभी का जो क्लोजर आया है वो ऑलमोस्ट इसके ऊपर इस साल का जो पीक आया था वो आया था क्लोजर सिर्फ 4 दिन, यानी कि अगर मैं बात करूं इनफैक्ट 3 डेज ओनली जो हमारा क्लोजर इसके ऊपर है। अगर मैं कल के क्लोजर की बात करूं 0.07869, और यहां पे अगर क्लोजर की बात करूं तो 0.07875, यानी कि इनफैक्ट आई वुड से कि ये थर्ड क्लोजर था हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोजर ये और दूसरा कैंडल जो कि ऑब्वियसली अभी जो इस साल का पीक आया था दैट इज अराउंड 81 के अराउंड में क्लोजर मिला था 0.081, वहीं जो पीक आया था 0.082 ये आया था 14 मई को। तो ये एग्जैक्टली लेवल जो है हम हो सकता है अगले 1-2 दिन में ब्रेक करने की कोशिश करें, क्या वो आज ब्रेक हो सकता है इंटरेस्टिंग होगा देखना। मेरे हिसाब से साइडवेज एक्शन जो मेंटेन है यहाँ पे इसमें जरूर अब थोड़ा बहुत मोमेंटम अपसाइड अब आने की जरूरत है, और दिख भी रहा है कि हम काफी नीचे का लेवल रीटेस्ट कर लिए 2-3 दिन से, तो डेफिनेटली 70 के आसपास हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, यानी कि अभी भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज है कि हम नीचे और जाएं। सकुष्टिक आरएसआई की बात करूं काफी कूल डाउन हो गया, देयर इज अ बाउंड्री लेवल ऑफ 80, मेरे हिसाब से 80 के आसपास हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, इट्स नॉट गारंटीड कि हम वहां तक जाएं, यहीं से भी मिल सकता है, बट यहां पे बाउंस बैक जरूर देखने को मिलेगा। स्पेशली आरएसआई और जो सकुष्टिक आरएसआई जो इंडिकेट कर रहा है उस हिसाब से अगर मैकडी को देखें तो मैकडी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, और जैसा अभी मई वाला जो एक आया था जोन
अपसाइड का वो अभी जस्ट शुरू हुआ है। तो यू कैन इमेजिन कि यहां से अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं तो हम शायद इस जगह के आसपास होंगे, या अगर इस रैली, ये रैली थोड़ी सी डिफरेंट थी और ये रैली थोड़ी सी डिफरेंट है, एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं करना बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ऊपर का भी टावर दिख सकता हमें, और अगर ऐसा है तो काफी ऊपर तक जाता हुआ दिखेगा हमें डेफिनेटली अभी मैकडी भी। और यस, अगर मैं 1 आवर के चार्ट की बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन, वापस से हम रीटेस्ट कर रहे हैं 21 EMA, 10 EMA फेल कर रहे हैं, 21 EMA फेल कर रहे हैं एंड हम नीचे जा रहे हैं। डेफिनेटली जो आज का दिन है, मेजर सपोर्ट 0.7720 के आसपास, वहां पे हम हाई जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें सपोर्ट मिले। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा 50 का लेवल, जो कि अभी का लेवल बना हुआ है, यहां पे भी बाउंस बैक मिल सकता है, इस बात को नोटिस में रखना, क्योंकि अभी रिसेंटली जब डाउनफॉल आया था हम नीचे गए थे 45 के आसपास, लेकिन वहां से फिर बाउंस बैक कर गए थे, और जब ऐसे मोमेंटम चलता है तभी हमारा अल्टीमेटली अपसाइड मोमेंटम चलता है। तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इसी रेंज के आसपास से कहीं से रिवर्सल दिखाएं 1 आवर के चार्ट पे, एंड इसका क्लियर कट इंडिकेशन आपको 4 आवर के चार्ट पे भी देखने को मिलेगा कि साइडवेज एक्शन जारी है, हायर लो क्रिएट करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक फैक्टर जो हमारे अगेंस्ट जा रहा है वो है RSI लोअर हाई क्रिएट किया है, लेकिन प्राइस वाइज हम हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो है निगेटिव सा एक चार्ट पैटर्न उभरा है, लेकिन याद रखना ऐसा ही कुछ चार्ट पैटर्न हमारे बिटकॉइन के ऊपर भी बना हुआ है, एंड USD अगर मैं बात करूं इथेरियम के USD चार्ट पे तो उस पर भी बना हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि बुल रन में थोड़ा सा जो बेयरिश चार्ट होता है वो भी न्यूट्रल बिहेव करता है, और जो न्यूट्रल चार्ट होता है वो भी पॉजिटिव बिहेव करता है, और पॉजिटिव चार्ट तो बिल्कुल डेफिनेटली जो है ब्रेकआउट करता है। तो ये सब चीजें आप जब टाइम स्पेंड करोगे मार्केट के साथ तो आपको पता चलेगा। फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे साइडवेज एक्शन नीचे की तरफ दिख रहा है, और अल्टीमेटली अभी थोड़ा बहुत करेक्शन बनता है जिस हिसाब से चल रहा है, यहाँ पे W पैटर्न डेफिनेटली बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आज का कैंडल इस हिसाब से देर इज अ प्रोबेबिलिटी 4 आवर के चार्ट के हिसाब से देर इज अ प्रोबेबिलिटी हम इसी जोन में क्लोज करें जहां पे अभी हैं, या फिर जो 0.0768 या 0.077 के अराउंड जो है क्लोजर हमें देखने को मिल सकता है। यानी इथेरियम का BTC चार्ट आज थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखाएगा, और इसका इंपैक्ट USD चार्ट पे डेफिनेटली पड़ेगा। डिपेंड्स बिटकॉइन कैसे बिहेव कर रहा है, कल के दिन इथेरियम ने फाइनली $4,056 के ऊपर जो है लेवल टेस्ट कर लिया एंड क्लोजर लिया $3,936। अभी जो रिसेंट जो ये क्लोजर है, ये क्लोजर आपको साफ साफ इंडिकेट करेगा कि अभी तक जितने भी क्लोजर आए हैं उसमें से ये भी थर्ड नंबर पे, यानी कि बिटकॉइन के चार्ट के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्टली बिहेव कर रहा है, ये भी थर्ड हाईएस्ट है। इथेरियम के BTC चार्ट पे जैसे बिहेव कर रहा है थर्ड हाईएस्ट, वैसे ही थर्ड हाईएस्ट क्लोजर है, और क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट जिस हिसाब से चीजें चल रही है। सकुष्टिक RSI यस साइडवेज एक्शन बनता है, यानी कि अभी यहाँ पे मोमेंटम साइडवेज एक्शन ले सकता है। RSI नो डाउट हम ऊपर जाने वाले हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट लेवल हम रीटेस्ट करेंगे एंड देन हम अपसाइड जाएंगे, यानी कि इस वीकेंड में हम थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन ले सकते हैं, यानी कि सैटरडे हो सकता है पूरा साइडवेज एक्शन ले, और संडे को इवनिंग आवर्स होते होते वापस से बॉन्स दिखा सकता है इथेरियम। एंड अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट वापस से 21 EMA रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है, RSI जो है नीचे जाता हुआ दिख रहा है, काफी नीचे आया है, 50 के लेवल से अभी काफी ऊपर है, अभी भी हम 53 के अराउंड में बने हुए हैं। 50 का लेवल क्या हम जाते हैं, अभी तक हम हायर लो क्रिएट कर रहे हैं 1 आवर के चार्ट पे। डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि इस लेवल को कैसे यहाँ पे प्ले आउट करता है। 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो डेफिनेटली हमें एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि थोड़ा बहुत हमें साइडवेज एक्शन नीचे की तरफ देखने को मिले, स्पेशली सकुष्टिक RSI भी क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है। तो जो हमारा BTC चार्ट बता रहा है वैसा ही कुछ इथेरियम का USD चार्ट भी बता रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो दैट मींस कि $3,761 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है 4 आवर के चार्ट पे, बट देर इज नो गारंटी क्योंकि यहाँ पे हमने काफी लंबा साइडवेज एक्शन लिया है, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 3,800 जो है मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है इथेरियम की USD चार्ट पे। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन का कर सकता है, इथेरियम का कर सकता है। कुछ कुछ ऑल्ट कॉइन्स बहुत तेजी से परफॉर्म कर रहे हैं, 100% 50% बैक टू बैक पूरे वीक में हमें ग्रोथ देखने को मिला, 20% वाले 10% वाले जो ग्रोथ लेवल है, मैं BTC चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन है जो इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। ये जो था जस्ट कंफर्मेशन था, जो हमारा जो है ऑल्ट सीजन वो स्टार्ट हो गया और हम इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेंगे, मैंने आपको कहा है सुपर जो हमारा ऑल्ट कॉइन सीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 40 या 40 के बिलो जाते ही बहुत तेजी से स्पाइक आ सकता है किसी भी ऑल्ट कॉइन में। तो गाइज अगर आपको जानना है कि हमारा प्रॉफिट मेकिंग का तरीका कैसे होना चाहिए, सो दैट जो अभी रिसेंटली हमने देखा है पास्ट में, अगर वैसा कुछ मोमेंटम फिर से आता है तो उसको हम कैसे देखें, और मेरे हिसाब से तो ये शायद लास्ट ऑल्ट सीजन है बिटकॉइन के पीक आने से पहले, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग करना। तो प्रॉफिट मेकिंग करें हम BTC में तो कैसे करें, किस बेस पे करें, किन क्वाइन को कब सेल करना है, अगर हमें किसी क्वाइन का टारगेट नहीं पता तो हमें क्या देखना है चार्ट पे, किन चीजों पे फोकस करना चाहिए, इस सब के ऊपर आज के लाइव सेशन में बात करूंगा, और ट्राई करूंगा एक अलग से शॉर्ट में वीडियो कंपाइल करने के लिए, एंड अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली वो वीकेंड में लेके आऊंगा, अगर नहीं आ पाया तो नेक्स्ट वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अभी टाइम है, डोंट वरी, वीकली चार्ट पे जस्ट हमने एक वीक स्पेंड किया। डेफिनेटली कई लोगों का दिल धक धक कर रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि उनको डर लग रहा है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा हुआ है, जरूर एक्साइटमेंट हाई रखना है, लेकिन थोड़ा सूझबूझ और परख जो है मार्केट को उसको बनाए रखना है। फिलहाल
कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ कुछ ऑल्टकॉइन एक्स्ट्रा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मेक श्योर कि 10-20 या एटलीस्ट 30% का बीटीसी टर्म में प्रॉफिट मेकिंग कर लो। आपको बहुत एक्स्ट्रा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, सोलाना ने काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ जो है ग्रोथ दिखा दिया है, तो उसमें अब जो है कम से कम 30% आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट मेकिंग जरूर बनता है इस लेवल पे। अगर आप नहीं बनते हो, बनाते हो, तो यू आर हायर रिस्क टेकर, तो उसमें फिर आपको रिवार्ड भी ज्यादा मिल सकता है, लेकिन रिस्क के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे, तो इस बात को समझो। और एग्जांपल जैसे सोलाना का मैंने दिया, वैसे क्वाइंस में जिन्होंने बहुत ज्यादा एक्साइटेड ग्रोथ दिया है पिछले 1-1.5 हफ्ते में, उनमें एंट्री मत लेना अब, इस बात को समझो। जो ऑलरेडी एंट्री ले चुके हैं उनको प्रॉफिट अलग अलग टारगेट पे लेना है, लेकिन न्यू एंट्री लोगे तो ये क्वाइंस अब रिस्की जोन में जा चुके हैं, यानी कि एंट्री के लिए आई एम नॉट रिकमेंडिंग। बट यस, आपके पास है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सेल करो, आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 30% जिस लेवल पे सोलाना है, 30% अगर सेफ साइड खेलना चाहते हो, बीटीसी के टर्म में प्रॉफिट मेकिंग करना है, और उसको बिटकॉइन में ही रखना है अगर आप बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हो। अदरवाइज अभी भी कुछ क्वाइंस है जहां पे आप जा सकते हो, लेकिन याद रखना जो भी अब एंट्री लोगे वो रिस्की में कहलाएगा। जो भी 42,000 के आसपास या 45,000 के आसपास बिटकॉइन जब चल रहा था और जब ऑल्टकॉइन नहीं बढ़ रहा था, उस टाइम में जो एंट्री बनता था, जो मैं आपको बहुत दिनों से दे रहा था हिंट कि अभी बिटकॉइन ले लो, जब 40,000 के बिलो था बिटकॉइन ले लो, 42,000 के ऊपर जाए तो उसको आप ऑल्टकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो अगर सेफ साइड चलना चाहते हो। लेकिन अब ऑल्टकॉइन में न्यू एंट्री जो है वो डेंजरस है। जी हाँ, डेंजरस में बोल रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ जिस लेवल पे हम हैं वहां से गिरने के चांसेस जब होंगे तो बहुत नीचे तक जाने के चांसेस हैं, लेकिन यहां से ऊपर जाने के चांसेस जो हैं आपको आराम से, जो भी जैसे सोलाना की बात करूं तो अभी भी 2 या 3 गुना यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बीटीसी के टर्म में। याद रखना मैं बीटीसी के टर्म में बार बार बोल रहा हूं, डॉलर के टर्म में तो सोलाना $1,000 भी चला जाएगा बुल रन के एंड होते होते, लेकिन हमें उस पर फोकस नहीं करना अगर हमें असली प्रॉफिट मेकिंग करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है, मेरे चैनल पे एक XRP का जो वीडियो है बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का, वो जाके यूज के समझो और वही प्ले आउट होता हुआ दिखेगा बाय द एंड ऑफ बुल रन। तो आप अगर अभी नए हो चैनल पे, नहीं पता तो जरूर जाके देख लेना वो वीडियो। एंड गाइस, जिन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती, जो मेरे साथ सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग, याद रखना मेरे साथ सीखना यानी कि स्लो मूविंग एवरेज की तरह हम सीखेंगे और पूरे साल स्पेंड करेंगे सीखते हुए, ना कि सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि इन्वेस्टमेंट, किसी क्वाइन को कैसे पहचानना है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, जो हमारा सेंटिमेंट एनालिसिस है कैसे करना है, किसी क्वाइन के हिस्ट्री को रीड कैसे करें, उसके बेसिस पे डिसीजन कैसे ले, मार्केट के अलग अलग फेज में हम कैसे प्रॉफिट मेकिंग करें, चाहे वो बुल रन हो, चाहे वो बियर रन हो, चाहे वो एक्युमुलेशन जोन हो, चाहे वो बिल्कुल टॉप पे हो, कैसे क्या हमारा खुद का सेंटिमेंट होना चाहिए इन ड्यूरेशन में, इन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे मेरे कोर्स में, जो कि मैं ला रहा हूँ नवंबर ऑनवर्ड्स। अभी ये प्री बुकिंग चल रहा है, प्री बुकिंग ऑन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये पूरा करिकुलम बनाया हूँ, पूरे डिटेल में मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जल्दी मैं यहाँ पे वीडियो भी डाल दूंगा। जिस दिन मैंने लॉन्च किया था कोर्स, उस दिन मैंने उस वीडियो को आप लोगों के साथ लाइव जो है वेबिनार करके आपको समझाया, तो वो वीडियो यहाँ पे जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, और आप जब उसे समझ लो, जान लो कि इस कोर्स में क्या मिलने वाला है क्या नहीं, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करना। अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ये प्राइस आपको जरूर बड़ा दिख रहा होगा अगर आपका बजट छोटा है, लेकिन याद रखना इसमें मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूंगा कि पीयर रन में आप 100 टाइम्स कैसे अपने बिटकॉइन को या फिर अपने रुपए को कैसे बढ़ा सकते हो आसानी से विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग, और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कितना गुना कर सकते हो आप पोर्टफोलियो, एक छोटे से पोर्टफोलियो को। तो इन सब के ऊपर डिटेल में बातें होंगी, डिस्कशन होंगी। जो पहला बैच होगा वो बहुत स्पेशल होगा, क्योंकि वो प्री बुकिंग कर रहे हैं तो उनको डेफिनेटली एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा, और एक्स्ट्रा एडवांटेज है लाइव क्लासेस हर अल्टरनेट वीकेंड में मैं ट्राई करूंगा। जो लोग भी जुड़ना चाहेंगे, जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट किया होगा, उनके साथ लाइव Q&A सेशन होगा, एंड साथ ही साथ इसके अलावा जो पहला बैच होगा उसको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, यानी कि फ्यूचर में कोई भी अपडेट होता है मॉड्यूल तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जल्दी इसका एंड्रॉइड ऐप और जो वेबसाइट का लिंक होगा वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो cryptoinsider.com पे जाना है, शॉप बुक नाउ में शॉप सेक्शन के अंदर जाओगे, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, या फिर आप इस कोर्स का नाम सर्च बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। तो गाइज, आज के जो TA वीडियो में था मेरी तरफ से वो इतना ही था। इस सब के ऊपर अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम या ट्विटर पे दूंगा, तो अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हो तो मेक श्योर कर लो, टेलीग्राम एंड ट्विटर जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, वेबसाइट के ऊपर भी यहां पे सारा कुछ मिल जाएगा आपको डिटेल में, तो जरूर आप यहां पे इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।